हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा तेलुगु फिल्म ध्रुवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कहीं ना कहीं 24 दिन हो चुका है इस फिल्म के रिलीज होते हुए। ये फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक ये फिल्म कमाल कर रही है। आप सोचोगे ये फिल्म के बारे में आखिर क्यों मैं बता रहा हूँ, तो आपको बता दूँ, मेरे एक दोस्त जो देखते हैं मुझे, उन्होंने कहा कि यार आप इस फिल्म के बारे में बताएंगे तो आई थिंक अच्छा होगा। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, बता देता हूँ। मैंने भी इसके कई चीज़ें पढ़ी थी इस फिल्म के बारे में पहले भी, लेकिन मैंने कभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बताया नहीं। आपको इसलिए भी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं रहते हैं तेलुगु मूवीज़ के बारे में। वो ये कि तेलुगु मूवी इंडिया में तो चलती ही है, मेनली साउथ में, और इसके अलावा ये फिल्म USA में बहुत बढ़िया चल रही है, इसलिए इस फिल्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस फिल्म ने जहाँ तक 21 दिन तक का कलेक्शन जब तक हुआ था, कुछ 87 करोड़ का आंकड़ा इस फिल्म ने छुआ था। और जब तक कि अभी तक का कलेक्शन कुछ जो जान पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, उसे ये लग रहा है कि ये फिल्म ने कहीं ना कहीं 95 से 96 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया है। और जिसमें से 50 करोड़ के ऊपर कलेक्शन सिर्फ USA की उस जगह से आया है, यानी कि जो नॉर्थन अमेरिका है वहाँ से सब आया, मतलब USA के जो भी स्क्रीन्स है वहाँ से आया है। वहाँ पे ये फिल्म आई थिंक 200 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज हुई थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से लॉजिक है, लेकिन आई थिंक USA में मतलब सिर्फ अकेला नहीं, USA मतलब पूरा ऑल ओवर, उसके अलावा जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, यानी कि इंडिया के बाहर की जो बाकी जो कंट्रीज़ है, उन सब का कलेक्शन आई थिंक होगा 50 करोड़। तो बहुत बढ़िया कलेक्शन आया है इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर इसका मतलब इस फिल्म ने 50 करोड़ कमा लिए है, और उसके इंडिया के अंदर इस फिल्म ने 40 से 45 करोड़ कमा लिए। तो इसलिए इसका कलेक्शन मैं आपको 95 से 96 करोड़ बता रहा हूँ। और इसके कलेक्शंस के आंकड़े मेरे पास क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 साइट्स रिफर की और सब में कहीं ना कहीं इसी तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये आंकड़ा बहुत सही होगा। ये फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत सही फिल्म है और कई सारे रिकॉर्ड्स इसने आउट ऑफ इंडिया भी तोड़े हैं। और दंगल फिल्म भी फिलहाल जो आउट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे चल रही है, उस फिल्म से इसको टक्कर मिल रही थी, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये मतलब एकदम प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब धुआँ दंगल के की जो कलेक्शन है, दंगल के जो स्क्रीन काउंट है, उससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं खा रही है, अपनी अच्छी तरह से चल रही है। और ये भी खबर अब आ रही है कि धुआँ की जो स्क्रीन काउंट है 200 से ज़्यादा भी अब बढ़ने वाली है इस चौथे वीक तक। तो एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। मैंने जितना पढ़ा उस हिसाब से खबर मैंने आपको बता दी। और 96 करोड़ अगर फिल्म कमाती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर कोई साउथ फिल्म, तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। इस फिल्म में रामचरण की 9वीं फिल्म है ये, और इस फिल्म में रामचरण के साथ आपको अरविंद स्वामी दिखेंगे जो रोजा जैसी फिल्मों में अब बहुत बढ़िया एक्टिंग कर चुके हैं। एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, सुरेंद्र रेड्डी आई थिंक इसके डायरेक्टर हैं। देखते हैं किस तरह की फिल्म ये फिल्म आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कलेक्शंस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 24 दिनों का कलेक्शन अभी तक तो इसका अच्छा है। और ये भी अब क्लियर है कि ये फिल्म जब तक इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पर कमा लेगी। तो कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। आई होप मैं जो कलेक्शन बताया हूँ वो सही तरह से बताया हूँ। आपको कोई और लिंक्स या आंकड़े पता चलते हैं मुझे ज़रूर अपडेट करिएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट का हर एक का रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप जो आपने मुझे कहा था मेरे दोस्त ने कि यार इसके बारे में बताने के लिए, आई होप आप भी थोड़ा सेटिस्फाइड हुए होंगे मेरे इस वीडियो से, मेरी इस राय से, मेरे इस रिएक्शन से। आई होप कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें इसी तरह पता चलती रहेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आपने धुआं नहीं देखी तो जाके देखिए, और मैं भी जल्द से जल्द फिल्म देखूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अब हो रहा है कि मैंने फिल्म मिस कैसे की। तो देखते चलिए किस तरह से चीज़ें सामने आती। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।